हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है कौन सा बार है? आज कौन सा? वेडनेसडे है। वेडनेसडे है। ये एक या डे दो कितने साल की थी तुम? क्लास सेकंड में थी? सेकंड या फर्स्ट में थी? सेकंड में थी। क्या फिफ्थ में थी? शायद तब की है, जब भी है। मतलब बहुत पुरानी फ्रॉक है, इतनी छोटी हो गई। इसको इसको शौक 6 साल पुराना, 6 साल पहले की फ्रॉक है और इसको अभी भी आ रही है और ये पहन रही है। इसको अच्छा लगता है ये फ्रॉक। और अभी हम बाहर जाने वाले हैं और आपको भी साथ में लेके जाएंगे, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। आज मैं बनाई पाव भाजी, तो मम्मी परोसे की रेसिपी। हाँ, तो मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ। रेड 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 पहली बार काइट उड़ा रहे हैं। काइट तुम कितने दिनों से उड़ा रहे हो? जब से मकर संक्रांति के पहले से तुम काइट उड़ा रहे हो। उड़ेगी आज? सच में उड़ेगी? उड़ेगी तो मैं आज सबको दिखाने वाली हूँ काइट उड़ने वाली है। किट्टू जा रही है ना बाहर? मैं अभी दीदी के साथ बाहर जा रही हूँ, आ जाऊंगी ना थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, जाओ तुम पतंग उड़ा लो, पहले देखती हूँ उड़ती है कि नहीं तुम्हारी पतंग। तो हम जा रहे हैं थोड़ी सी मार्केट, सूची का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए ड्रेस देखना है, तो थोड़ा मार्केट जाते हैं। हाँ क्योंकि यहाँ है मार्केट। जल्दी आ रही हो? अरे यार लेट हो रहा, चाबी यहाँ होगा ना, देखो ना ड्रॉअर में रखा होगा। मिल गया? दरवाजा जल्दी से लगाओ, जल्दी से चाबी दो। आप लोग को इमरजेंसी के लिए इस चाबी में वो भी रखना चाहिए। शूज पहनो, चाबी लो जल्दी से। किट्टू शूज, हाँ जल्दी पहनो जल्दी। साफ लग रहा है ना? I like it like that. मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, मेरा आँख ही दिख रहा है। अब मैं दिखने लगी है, मैं दिखाऊं? दोस्तों ये देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। और मेरे स्टाइल की अगर पाव भाजी बनानी है आपको, तो मेरी रेसिपी जरूर फॉलो कीजिएगा, जो झटपट 5 मिनटों में बन जाती है। 5 मिनट तो नहीं, लेकिन बन जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ मैंने वो क्या बोलते हैं, आलू है यहाँ पे, यहाँ गाजर है, मटर है, कैप्सिकम है। कैप्सिकम यहाँ मैंने थोड़ा लिया क्योंकि थोड़ी है, फिर और थोड़ी सी ये इसके पापा ऑफिस से आएंगे तो मंगाऊंगी, तो वो कट करके मैं डालूंगी उसमें। और यहाँ पे कॉलीफ्लावर है, गोभी, और थोड़ी सी बीटरूट ऐसे सूख रही थी तो बीटरूट भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये सब चीज को मैं एक साथ इकट्ठे ही कुकर में डाल दूंगी और इसको सीटी लगा लूंगी, जितने में ये पूरे गल जाए, 4-5 सीटी। अलग अलग इसको मैं नहीं उबालने वाली हूँ, इसको एक साथ ही मैं कुकर में डालूंगी और इसकी सीटी लगाऊंगी। तो चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। और
बस गैस जला के इसको चढ़ा देना है, इसको चार पांच सीटी लगवा देनी है अच्छे से, चार पांच मतलब अच्छे से गल जाए सारी चीजें। इतनी ये मटर प्याज, मटर को मैंने बॉईल कर लिया हल्का सा, और ये मैंने कैप्सिकम काट लिया, टमाटर दो, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया पाव भाजी के लिए, और ये मैंने सारी चीजें एक साथ उबाल लिया, अलग अलग नहीं उबाली है, सारी चीजों को मैंने एक साथ उबाला है। और इसको अब मैं क्या करूंगी, ये मैसर से मैं इसको मैश कर दूंगी, ऐसे ऐसे आपको अच्छे से पूरा मैसर से इसको मैश कर लेना है। मटर इसमें भी है थोड़ा सा, बॉयल मटर मैं अलग से रखी हूँ, वो ऊपर से डालो तो बॉयल मटर थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बॉयल मटर थोड़ा सा अलग से रख लिया है कि उसको डालूंगी ऊपर से, थोड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है ऊपर ऊपर तो। और इसको अच्छे से मैसर से मैश कर लेना है। ये मैंने मैसर से देखिए पूरा मैश कर लिया, पाव भाजी की भाजी जितने थे एक साथ मैंने उबाल लिया था, इससे झटपट हो जाती है, इसको मैंने मैसर से मैश कर लिया। और ये देखिए उसका जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, जो बॉयल किया हुआ पानी है उसमें बहुत प्रोटीन रहती है, तो उस पानी को मैं रख ली हूँ पाव भाजी में ही, इस पानी का यूज हम वापस से पाव भाजी में ही करेंगे। और ये देखिए यहाँ कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डालूंगी, और एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, बस इतनी ही चीजों की जरूरत है इसमें। तो चलिए आगे हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बन रही है पाव भाजी। तो यहाँ पे देखिए पाव भाजी की सारी तैयारी मैंने कर ली है, अब मैंने कढ़ाई चला ली और उसमें तेल मैंने डाला, तेल डालने के बाद इसमें मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार करके रखी हूँ उसको उसमें डाल दूंगी और उसको ब्राउन कर लूंगी हल्का सा, जब वो ब्राउन हो जाएगा तब उसमें मैं प्याज डाल दूंगी, प्याज को भी उसको अच्छे से भूनूंगी, इसमें प्याज ज़्यादा लेना है थोड़ा सा, क्योंकि प्याज ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है उसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में प्याज डालनी है और वही अच्छे से उसको भून लेना है जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, थोड़ी देर तक कम स्टीम में उसको अच्छे से भून लेना है, जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए फिर मैंने जो कैप्सिकम काट के रखा है ना उसको मैं उसमें ही डाल दूंगी, हल्का पतला पतला मैंने कैप्सिकम काट के रखा है उसको भी उसी में डाल लेना है, और साथ में उसको भी प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेना है, फिर टमाटर भी डाल देना उसमें, जब हम टमाटर उसमें डाल देंगे तो टमाटर ना ग्रेवी वो बन जाता है पतला सा, उसमें मेल्ट हो जाता है, तो टमाटर को पहले ही डाल देना, थोड़ा सा उसमें मैं नमक डाल दूंगी कि सारी सब्जियाँ उसमें गल जाए एक साथ, अच्छे से टमाटर को भी भून लेना है, जब ये सब भून जाए तो उसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी और एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला आप उसमें डाल दो। और देखिए जो पानी बची हुई थी मैंने बोला था ना वो पानी बहुत यूज़फुल है, तो उस पानी को उसी में डाल देना है, और हल्दी वगैरह सब डालना है, लाल मिर्ची पाउडर, मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ जो ज़्यादा तीखी नहीं, क्योंकि मैं हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो कश्मीरी मिर्च बस कलर के लिए, और नमक भी उसमें स्वाद अनुसार आपको जितना डालना है डाल देना है, उसके बाद अच्छे से मसालों को भून लेना है, से भून जाए। और एक बार मैं फिर से इसको चेक कर रही हूँ कि मसाला भून गया है कि नहीं, थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, मैंने आपको बताया था जो उसमें कि पानी बच गई है ना उस पानी को मैंने उसी में डाल दिया था, और ये बॉयल किया हुआ मटर मैंने ऊपर से डाल दिया है, काफ़ी अच्छा लगता है जब मटर ऊपर से हल्की सी दिखती है ना, ग्रीन ग्रीन खरा मटर जब दिखता है तो वो अच्छा लगता है पाव भाजी में, तो मैं थोड़ा सा मटर ऐसे ही बॉयल किया हुआ रख लेती हूँ ऊपर से डालती हूँ। और जो मैंने ये सारे पेस्ट तैयार किए थे सारी सब्जियों का पाव भाजी का उसको मैं उसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लेना है कि इसका कच्चापन चला जाए, तो बस इसी तरह से अच्छे से मैंने उसको भून लिया। देखिए गाइस तो आ जाया है पैटिस शाम को नाश्ते के लिए, और देखिए बाप रे इतने सारे पाव आए हैं पूरा भर भर के, आज पाव भाजी बन रही है तो खाने के लिए मन भर खाएंगे। ओ दिखा रहे हैं मम्मी देखिए, पाव है, पाव और रोल भी आया था जो मैं खा चुकी हूँ, तो अभी मैं पेटिस भी खाने वाली हूँ जो मम्मी के इसका है, बट तभी मैं खा जाऊंगी। तो यहाँ पे सूची पेटिस ले आई थी, तो वही पेटिस का थोड़ा सा वीडियो ले ली थी, तो वो भी मैंने ब्लॉग में डाल दिया, उसने दिखाया पेटिस लाई थी। तो देखिए यहाँ मेरा अच्छे से जितना पाव भाजी का मैंने जो सब्जियों का जो पेस्ट बनाया था वो अच्छे से भून गया था, अब मैंने उसमें पानी डाल दी है, बस अब पानी डालने के बाद वो हल्का सा उबाल आएगा उसके बाद तैयार हो जाएगी। और देखिए यहाँ पाव मैं सेक रही हूँ, तो पाव को बटर के साथ सेक लेना है, बहुत
अच्छा लगता है बटर के साथ सेक लो तो वो पाव खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस हमारी पाव भाजी बन के तैयार हो गई है, बटर भी सीक गया है, सेक गया है, पाव के बटर के साथ पाव भी सेक गया है। बस यमी यमी हमारी थाली, देखिए यहाँ हमारी थाली तैयार हो गई। बस पाव लगा रही हूँ, एक साइड मैंने भाजी रखी है और मिर्ची, नींबू, प्याज, धनिया की पत्ती और साथ में बटर, भाजी में बटर डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर सारा सामान तैयार रहे ना तो 10 मिनट में आपकी भाजी तैयार हो जाती है। बस भाजी तैयार हुई, झटपट पाव सेक लिया बटर के साथ और खा लिया। तो ये रहा मेरा पाव भाजी का थाली तैयार, स्पेशल पाव भाजी थाली, बहुत यम्मी और टेस्टी है। तो आप भी मेरी पाव भाजी चख के देखिए कैसा लगा है। आप खा तो नहीं पाएंगे, चख तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इमेजिन जरूर कर सकते हैं कि कितना यम्मी और टेस्टी बना है। थाली देख के तो ज़रूर इमेजिन कर सकेंगे आप। तो देखिए कितना हेल्दी पाव भाजी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें सारे सब्जी और सारे मसाले सारी सब्जियां होती हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होती है, और बच्चे बहुत चाव से ये खाते भी हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी पाव भाजी की थाली, प्याज के साथ और नींबू के साथ यम्मी लगता है, साथ में बटर हो तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बच्चे काफ़ी चाव से और पसंद से ये पाव भाजी खाते हैं, तो आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करना। और सच में ये पाव भाजी बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनी थी। अगर सारा सामान तैयार हो तो 10 मिनट में आपकी पाव भाजी बन के तैयार हो जाएगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बोलो Do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is Let's Vlog with Kavita.